नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल डाबरा लीगल एंड एचआर सपोर्ट में। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड कोड। ये जो चार नए कोड आए हैं, लेबर कोड आए हैं, इसके थर्ड कोड को आज हम कवर करेंगे। जैसे कि दो कोड हम पहले ही कवर कर चुके हैं, एक था द कोड ऑन वेजेज एक्ट 2019 और दूसरा था इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ये दो कोड हम पहले ही कवर कर चुके हैं और आज हम तीसरा कोड कवर करेंगे। ये है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020। फिर केवल एक कोड बचेगा, चौथा, जो है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो ये क्या है कि हम 30 जून तक इस चौथे पे भी वीडियो बना देंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले पीपीटीज की नॉलेज मिलती रहे, आने वाले एक्ट के बारे में आने वाले वीडियोज के थ्रू जो है अपडेट्स मिलती रहे। तो आज हम कवर करेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रेगुलेटिंग द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट एंड फॉर बेटर कनेक्शन देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। ठीक है, द कोड कंटेन 143 सेक्शंस विद द थ्री शेड्यूल। यानी कि ये जो नया कोड है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, इसमें तीन शेड्यूल है और उनमें 143 सेक्शंस हैं। तो ये जो कोड बना है, ये जो नया कोड बना है, यानी कि अब तो एक्ट ही बन गया है, तो इसमें जो है जो पुराने 13 एक्ट थे उनको कंबाइन करके तभी एक नया कोड बना है। नए कोड का नाम है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, शॉर्ट में हम बात करते हैं OSHWC 2020। और जो पुराने एक्ट थे जो इसके अंदर आके मर्ज हो गए हैं, तो पुराने एक्ट कौन कौन से थे, तो पहला एक्ट था द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, सेकेंड एक्ट है द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, थर्ड है द माइंस एक्ट 1952, फोर्थ है द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड द अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1955, फिफ्थ है द वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट ऑफ वेजेज एक्ट 1958, सिक्स्थ है द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, द बीडी एंड द सिगार वर्कर्स एक्ट 1966, एट्थ है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, नाइन्थ है द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976, द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, इलेवंथ है द शाइन वर्कर एंड द सिनेमा थिएटर वर्कर्स एक्ट 1981, ट्वेल्थ है द डॉक वर्कर्स एक्ट 1986 एंड द लास्ट है द बिल्डिंग एंड द अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996। ये 13 एक्ट जो है मर्ज हुए हैं, तब ये नया एक्ट बनाए द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। तो सबसे पहले हम जो है कवर करेंगे जो मेजर डेफिनेशंस है, क्योंकि हम अंदर पढ़े कि एडोलेंस, एजेंट, एडल्ट, और हमें यही नहीं पता होते क्या है। तो पहले हम कवर कर लेते हैं कि डेफिनेशंस क्या होती है। तो पहली डेफिनेशन, हमने सारी डेफिनेशंस को कवर नहीं किया जो एक्ट में है, हमने मेजर डेफिनेशंस को लिया है। तो जैसे कि हम आपको बता दें, ये केवल एक समराइज्ड वीडियो है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। फाइनल वीडियो तब आएगी जब ये एक्ट जो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होने की संभावना है। जैसे कि डिफरेंट न्यूज़पेपर के थ्रू पता लग रहा है कि 1 जुलाई 2022 से ये इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो जैसे ही इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो स्टेट के जो है रूल्स आ जाएंगे, फाइनल रूल्स आ जाएंगे, तो उसके बाद फाइनल वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे सारी। ये केवल समराइज है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो पहले हम कवर कर लेते हैं डेफिनेशन। तो पहली है एडोलेंस क्या होता है, वर्कर कौन सा है। एडोलेंस है कि shall have the same meaning as assigned into the clause 1 of the section 2 of the child and adolescent worker, जो act 1986 का जो act है उसमें है, वही same definition है। adult means a person who has completed 18 years of age. agent, when used in relation to a mine, means every person whether appointed, यानी कि appoint हुआ हो या act कर रहा हो, वो on the behalf of the owner takes part in the management, control, supervision or direction of the mine or ऑफ एनी पार्ट देर ऑफ। यानी कि या तो किसी को हायर कर लिया गया हो, या वो मतलब अपॉइंट कर लिया गया हो, या वो एक्ट कर रहा हो, यानी कि वो एज ए मैनेजमेंट के तौर पे एक्ट कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो, सुपरवाइज कर रहा हो, डायरेक्शन कर रहा हो उस माइंस के काम को, तो उसको हम एजेंट कहेंगे। ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन मीन्स ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन होली और पार्सली इन इंडिया इंक्लूड्स, तीन कंडीशन है, एनिमेशन, कार्टून डेपिशिएशन एंड द ऑडियो विजुअल एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल प्रोडक्शन और एनी ऑफ द एक्टिविटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ मेकिंग देयर ऑफ। थर्ड है कि फीचर फिल्म्स, नॉन फीचर फिल्म्स, टेलीविजन, वेब सीरीज, टॉक शोज, रियलिटी शोज एंड द स्पोर्ट्स शोज। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑडियो विजुअल वर्कर्स मीन्स ए पर्सन
who is employed directly or through any contractor in or in connection with the audio visual production to work as artist, including actor, musician, singer, anchor, news reader, dancer, dubbing artist or a stunt person, or to do any work, skilled, unskilled, manual, supervisory, technically, artistic or otherwise, and his remuneration with respect to such employment in or in connection with the production of audio visual does not exceed, where remuneration is by the way of monthly wages, or where such remuneration is by of lump sum, in each case such amount as may be notified by the central government. Next definition है contract labor कौन है? Means a worker who shall be deemed to be employed in or in connection with the work of an establishment when he is hired in or in connection with such work by through contractor with or without the knowledge of the principal employer and includes interstate migrant workers, यानी कि जो interstate migrant worker होंगे उनको भी contract labor की definition में रखा गया है नए code के तहत, but does not include a worker, यानी कि कौन कौन contract labor नहीं होंगी, other than part-time employees who is regularly employed by the contractor for any activity of his establishment and his employment is governed by the mutually accepted standard of the condition of the employment, including engagement on permanent basis and get periodically increment in the pay, social security coverage and other welfare benefits in accordance with the law for the time being enforced in such employment. Next definition है contractor. Contractor होगा in relation to an establishment means a person who conditions है undertake to produce a given result for the establishment other than a mere supply of the good or article of manufacturer to such establishment through contract labor or second condition है supplier supplies contract labor for any work of establishment as mere human resource. Next definition है controlled industry means any industry the control of which by the central government has been declared under the central act in the public interest. Next definition है core activity of an establishment, यानी core activity क्या होगी किसी भी establishment की. ये इसलिए important है कि जैसे हम contract labor की बात करते हैं तो contractor labor जो है core activity नहीं कर सकती as per the contract act की बात करें तो इसलिए हमें कोर एक्टिविटी भी पता होनी चाहिए. भाई हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट लेबर कोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, बट कोर एक्टिविटी क्या होंगी तो कोर एक्टिविटी ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट मींस एनी एक्टिविटी फॉर व्हिच एस्टेब्लिशमेंट इज सेट अप एंड इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी व्हिच इज एसेंशियल और नेसेसरी टू सच एक्टिविटी, यानी कि जिस काम के लिए वो कंपनी बनी है, यानी कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है तो मोबाइल बनाना कोर एक्टिविटी होगा. कोई कंपनी केमिकल्स बना रही है तो केमिकल बनाना कोर एक्टिविटी होगा. तो ये जो उसका कोर काम है जिसके लिए वो कंपनी बनी है वो उसकी कोर एक्टिविटी होगी. प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसीडर्ड, यानी कि कौन कौन से काम जो है कोर एक्टिविटी में नहीं आएंगे. कंसीडर्ड एज एसेंशियल और नेसेसरी एक्टिविटी इफ द एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट सेटअप फॉर दिस सच एक्टिविटी, यानी कि वो उस काम के लिए सेटअप नहीं हुई है. देन सैनिटरी वर्क इंक्लूडिंग द स्वीपिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग एंड कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ ऑल काइंड ऑफ wastage, watch and the ward service including the security services, canteen and catering services, loading and unloading operations, running of hospital, education, training institutions, guest house, club and the like where there are in the nature of the support service of an establishment, courier services which are in the nature of support services of an establishment, civil and the other construction work including the maintenance, gardening and the maintenance of the lawn and the other like activities, housekeeping and the laundry services and other like activities where these are in nature of support services of an establishment, transport services including the ambulance services, any activity of intermittent nature even if the constitutes a core activity of an establishment. ये सारी services जो है core activity में नहीं आएंगी. Next definition है dock worker कौन सा होता है. Dock worker means any work in or within the vicinity of any port in the connection with or required for or incidental to the loading, unloading movement or storage of the cargoes into or from ship or other vessels, port dock, storage place or landing place, including work in a connection with the preparation of the ship or other vessels for the receipt of the discharge of the cargoes or leaving the port,
All repairing and maintenance process connected with any hold tank construction, lifting machinery or any other storage area on board the ship on the dock. And chipping, painting or cleaning of any hold tank structure or lifting machinery or any other storage are on the board and the ship or in the dock. यानी कि dock worker वो होंगे जब as on required होते हैं. Suppose करो कि किसी company में regular daily 5 गाड़ी आती है unload होने के लिए, तो उन्होंने लोडिंग अनलोडिंग के लिए पहले से ही वर्कर रख रखे हैं. बट किसी दिन अगर 7 गाड़ियां आ गई हैं तो उस दिन एक्स्ट्रा मैन पावर चाहिए. जो एक्स्ट्रा मैन पावर आएगी उसको डॉक वर्कर कहेंगे. अब नेक्स्ट डेफिनेशन है कि एम्प्लॉय कौन होगा. तो एम्प्लॉय जो होंगे, नीचे कंडीशन दी हुई है, ये सारे कंडीशन को फुलफिल करेंगे वो एम्प्लॉय होंगे. इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट ए पर्सन अदर देन द अप्रेंटिस, यानी जो अप्रेंटिस होगा उसको भी इस एक्ट में एम्प्लॉय नहीं माना गया. एम्प्लॉयड ऑन द वेजेस बाय द एस्टेब्लिशमेंट to do any skilled, semi-skilled, unskilled, manual, operational, supervisory, managerial, administrative, technical, clerical or any other work, whether the term of employment be expressed or implied, यानी कि वो employee होगा. A person declared to be the employee by the appropriate government but does not include any member of the armed force of the union, provided that notwithstanding anything contained in this clause. In case of a mine, a person is said to be employed in a mine who works as a manager or who works under the appointment by the owner, agent or manager of the mine or with the knowledge of the manager, whether for the wages or not. यानी wages मिल लियो नहीं मिल लियो, अगर mines में उसको employed है तो उसको employee कहा जाएगा. In any mining operation including the concomitant operation of the handling and transportation of minerals up to the point of dispatch and of gathering, send and transport thereof to the mine. In operations of the service relating to the development of the mine including the construction of the plant therein but excluding the construction of the building, road, wells and any building work not directly connected with any existing or the future mining operations. In operating, servicing, maintaining or repairing any part of any machinery used in or about the mine. In operation within the premises of the mine of loading for dispatch of mineral, in any office of mine, in any welfare, health, sanitary or the conservancy services required to provide under this code relating to the mine or watch and ward with the premises of the mine excluding the residence. Factory kya hogi is act ke tahat. So factory means any premises including the precincts thereof where on 20 or more workers are working or were worked on any day of the preceding 12 months and any part of which a manufacturing process is being carried out with the aid of the power or ordinary carried on. यानी कि एज पर एज फैक्ट्री एक्ट की हम बात करें तो डेफिनेशन होती है फैक्ट्री की, जहाँ पे 10 लोग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद द हेल्प ऑफ पावर से अगर कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो फैक्ट्री होगी और विदाउट द एड ऑफ पावर कर रहे हैं तो 20 पे. लेकिन यहाँ पे चेंजेज हो गया कि जहाँ पे 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर प्रोसेस कर रहे हैं विद द एड ऑफ पावर, तो यहाँ पे डेफिनेशन चेंज है. वेयर इन 40 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग और वर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स एंड इन एनी पार्ट ऑफ विच ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन विदाउट द एड ऑफ द पावर और ऑर्डिनरी सो कैरिड ऑन बट डज नॉट इंक्लूड मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, रेलवेज रनिंग सेट और ए होटल, रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेसेस, प्रोवाइडेड दैट were under any law for the time being enforced in the state immediately before the commitment of this code, the number of the workers specified is more or less than the number of specified clause, then the number specified under the law of the state shall prevail in that state still is amended by the competent legislation. यानी कि यहाँ पे जो फैक्ट्री की जो डेफिनेशन है वो चेंज हुई है एज पर फैक्ट्री एक्ट की, जहाँ पे 10 लोग विद द हेल्प ऑफ पावर से प्रोडक्शन कर रहे हैं या 20 लोग विदाउट द हेल्प ऑफ पावर से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको फैक्ट्री कहते थे. बट इट कोड के अकॉर्डिंग 20 लोग विद द हेल्प ऑफ पावर से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फैक्ट्री हो जाएगी और विदाउट पावर कर रहे हैं तो 40 लोग होंगे तो तब फैक्ट्री होगी. अब नेक्स्ट डेफिनेशन है वर्कर कौन होगा. वर्कर मीन्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी एस्टेब्लिशमेंट टू डू एनी मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल और सुपरवाइजर वर्क फॉर हायर और रिवार्ड, whether the term of employment is expressed or implied and including working journalist and the sales promotion employees but do not include any such person
हुई सब्जेक्ट टू द एयरफोर्स एक्ट, यानी कि जो एयरफोर्स एक्ट के तहत है वो वर्कर नहीं होगा, और आर्म्ड फोर्स 1950 और नेवी एक्ट 1957 हुई इज एम्प्लॉयड इन द पुलिस सर्विसेज और एन ऑफिसर और अदर एम्प्लॉयज ऑफ ए प्रिजन हुई इज एम्प्लॉयड मेनली इन द मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी हुई इज एम्प्लॉयड इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी ड्रॉइंग द वेजेस एक्सेटिंग, यानी कि जिसके 18,000 से ज्यादा वेज होगी वो वर्कर नहीं होगा। अब आता है रजिस्ट्रेशन। तो एवरी एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट नीड विच कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस आफ्टर द कमिशनमेंट ऑफ दिस कोड एंड टू विच दिस कोड शैल अप्लाई शैल विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कोड, यानी कि विद इन दिस 60 दिन में जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डालेंगे लाइसेंस के लिए टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट। उसमें वो क्या इंक्लूड करेंगे, एवरी एप्लीकेशन अंडर द सबसेक्शन 1 शैल बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर इन सच ए मैनर इन सच फॉर्म कंटेनिंग द सच पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि अगर वो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उनकी भी डिटेल उनको उस फॉर्म में भरनी होगी। Accomplished by the fees as may be, यानी कि और फीस के साथ फॉर्म सबमिट करना होगा जो भी appropriate government decide करेगी। After the receipt of an application under the subsection, जैसे कि जैसे ही जो registering authority officer है उसको application मिल जाएगी, shall register the establishment and issue the certificate of registration electronically, यानी कि online ही register करके और उनको online एक certificate दे देगा registration का to the employer thereof such form and within the such time but not later than the 7 days from the submission of the complete form, यानी कि 60 दिन में तो employer को application submit करनी है license लेने के लिए to the appropriate government जिसको भी officer बनाएगी, वो officer complete form receive करने के within 7 days में क्या नाम है certificate issue करेगा online। अगर officer fail हो जाता है 7 days में license issue करने में तो ये मान लिया जाएगा कि उस और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो ये मान लिया जाएगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है लाइसेंस इशू हो गया है। अब आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट, एनी चेंज इन द ओनरशिप और मैनेजमेंट और इन एनी पर्टिकुलर रेफर्ड इनटू द सबसेक्शन 2 व्हिच अकर्स आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट शैल बी इंटीमेटेड बाय द एम्प्लॉय इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्ट्रिंग विद ऑफिसर विद इन द 30 डेज, यानी कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है उसको सर्टिफिकेट मिल गया है, अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं यानी कि नेचर ऑफ वर्क या किसी भी चीज का कुछ चेंज होता है तो विद इन 30 डेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसको उसकी इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज में देनी होगी। अब मेजर हाईलाइट्स क्या है इस एक्ट के, द कवरेज इज एनहांस्ड बाय कवरिंग ऑल द एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स, यानी कि सभी एस्टेब्लिशमेंट कवर होंगी इस एक्ट के तहत, चाहे शॉप के अंदर आती हो, ट्रांसपोर्ट के अंदर आती हो, किसी के भी आती हो, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट जैसे कि हमने पढ़े 13 जो एक्ट थे वो मर्ज हो गए हैं तो ये एक सिंगल एक्ट सभी पे एप्लीकेबल हो जाएगा जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा वर्कर काम करोगे। इट डज नॉट इंक्लूड चैरिटेबल और नॉन प्रॉफिट बेस्ड एस्टेब्लिशमेंट एज दिस ऑब्जेक्टिव इज टू टेक केयर ऑफ द सेफ्टी हेल्थ एंड द वर्किंग कंडीशन, हाउएवर दे आर प्रोविजन टू एग्जेम्प्ट, देयर वर डिफरेंट थ्रेशोल्ड अंडर ऑल द 13 एक्ट for the applicability of provisions, now uniform threshold is brought, however the applicability of special provision is still based on the certain special threshold, for example interstate migrant workers factories act, there were different threshold for various welfare measures, the code has tried to bring the uniformity as much as possible, the code has looked into the development in technology, the operations and the special type of workers are also included under the code, jaise ki migrant worker ko include kar liya gaya hai। In the case of interstate migrant workers, the applicability was based on establishment and the contractor, and the definition covered only worker employed by or through the contractor. The code now covered workers who are directly employed by the employer in the addition to the workers employed through the contractor. The national standards on the occupational safety, health and working conditions framed by the National Occupational Safety Health Advisory Board will have the national application. Now court will have the power to award part of the penalty collected from the default employer to the victim or the legal hire in the case of the offence of the death, yani ki ab court jo hai collect kar sakta hai jo bhi penalty hogi aur usko wo legal hire ko ya jo employee hai usko victim jo hai usko de sakta hai। The law on the safety health and working condition is conditions and reduce the provision contains 6-2 यानी कि 622 सेक्शन से पहले जिनको अब 143 में कन्वर्ट कर दिया गया है।
दिस अचीव थ्रू द ब्रिंगिंग द कॉमन डेफिनेशन. ये कैसे हुआ है कि 622 सेक्शंस को 143 कर दिया गया है, तो इसके लिए क्या है कि कॉमन डेफिनेशंस बनाई गई है. ऑर्गेनाइजिंग द रिलेवेंट प्रोविजंस टुगेदर प्रोवाइडिंग स्कोप टू फ्रेम द स्टैंडर्ड रूल बाय द लॉ. The issue of amendment letter within the minimum information is now compulsory. This will help to reduce the exploitation. Currently, there are separate registration are required under the various acts, but now only single registration is sufficient. पहले अलग-अलग license की जरूरत होती थी, migrant worker के लिए अलग होती थी, factory act के तहत अलग होती थी, ठीक है? Shop and establishment के लिए अलग होती थी. अब क्या है? Single ही registration की जरूरत होगी. The court intend to achieve one license registration only. एंड इससे और क्या होगा कि जितने एक्ट थे सभी के अलग अलग रिटर्न थे, किसी में दो थी एनुअली हाफ ईयरली, अब क्या है सिंगल रिटर्न भी सिंगल ही सबमिट करनी पड़ेगी. तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी ला सकती है, अभी आई नहीं है पर ऐसी आ सकती है. द कोर्ट प्रोवाइड फॉर एनुअल हेल्थ चेकअप मैंडेटरी फॉर द सर्टेन कैटेगरी एम्प्लॉइज एट द कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर. अभी क्या था कि जैसे कि जो केमिकल की कंपनी थी उनमें क्या है 6 मंथ में या 1 साल में मेडिकल कंपलसरी था, बट ये कंपलसरी नहीं था कि एम्प्लॉयर कराएगा. बट अब ये कंपलसरी कर दिया है कि जो कॉस्ट होगी, जो मेडिकल के पैसे जाएंगे वो एम्प्लॉयर ही देगा. नेक्स्ट चेंज क्या है कि द फीमेल वर्कर शुड बी एम्प्लॉयड विद इन द मेजर सेफ्टी फैसिलिटी फॉर फीमेल वर्कर फॉर नाइट शिफ्ट. यानी कि नाइट शिफ्ट में फीमेल वर्कर तभी काम कर सकती है जब उनके सेफ्टी के जो मेजर्स हैं उन पे ध्यान रखा जाएगा. एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी लाइक कि वहाँ पे वॉशरूम प्रोवाइड कराने की, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की, उनके लिए खाना प्रोवाइड कराने की. और जैसे कि अभी लेटेस्ट लास्ट मंथ यानी मई में एक नोटिफिकेशन आया था उत्तर प्रदेश सरकार का कि कम से कम चार फीमेल होनी चाहिए नाइट शिफ्ट में, तभी फीमेल नाइट शिफ्ट में काम करेगी, नहीं तो चार से कम है तो फीमेल नाइट शिफ्ट में काम नहीं करेगी. और फीमेल का कंसेंट होना चाहिए कि वो नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार है. एज पर द फैक्ट्री एक्ट एवरी एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय, बट नाउ द मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजर कैटेगरी एम्प्लॉयड हु आर ड्रॉइंग मोर देन 18K आर आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द वर्कर. अब हम बात करते हैं और क्या चेंजेज है एज पर द एनुअल लीव. जो हम एनुअल लीव है उनमें क्या चेंजेज आए एज पर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस वर्सेस द करंट लॉ. एज पर द चैप्टर 8 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट इट कंटेन्स द लीव विद द वेजेस प्रोविजन एंड कवर ऑल द एम्प्लॉयज, बट नाउ एज पर द चैप्टर 7 ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस सेक्शन 32 कंटेन्स द लीव विद द वेजेस प्रोविजन द ओनली इट ओनली कवर्स वर्कर्स एंड डज नॉट कवर द एम्प्लॉयज हु आर ड्रॉइंग मोर देन द 18K वेजेस. नेक्स्ट चेंजेज है एनुअल लीव के लिए एलिजिबिलिटी फॉर लीव विद द वेजेस एज पर द फैक्ट्री एक्ट इज 240 डेज और मोर फॉर द एक्चुअल वर्किंग डेज, बट नाउ एलिजिबिलिटी इज 180 डेज और मोर फॉर द एक्चुअल वर्किंग डेज. एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट द पर्सन हु जॉइंड आफ्टर द फर्स्ट जैन देन ही नीड टू वर्क 2/3 ऑफ द रिमेनिंग डेज टू अवेल द ईएल, बट नाउ ओनली 1/4 इज मैंडेटरी टू बिकम द एलिजिबल फॉर द एनुअल लीव. एज पर द फैक्ट्री एक्ट एम्प्लॉय कैन कैरी फॉरवर्ड अप टू द 30 डेज लीव ओनली. There is not law for encashment other than the favorable policy. यानी कि एज पर फैक्ट्री एक्ट की बात करें तो कैरी फॉरवर्ड जो लीव थी वो केवल 30 दिन ही हो सकती थी, और ऐसा कोई लॉ नहीं था कि उनको इनकैश करा सके अदर देन दी फेवरेबल पॉलिसी. यानी किसी कंपनी ने अपनी फेवरेबल पॉलिसी बना रखी है एम्प्लॉयज के लिए कि ठीक है अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या 30 के बाद इनकैश कर सकते हैं. बट अब ये लॉ आ गया है कि बट नाउ वर्कर कैन लीगली डिमांड फॉर इनकैशमेंट ऑफ Each and her leaves if they are more than the 30 days at the end of the calendar year. यानी कि अब 30 छुट्टियों से ज्यादा हो जाती है तो employer जो है legally demand कर सकता है encashment के लिए. As per the Factory Act, employer can only avail the 3 times EL, but now there is no such condition for availing the leaves in 1 calendar year. But there may be agreement to avoid the work disturbance. यानी कि employer और employer का agreement हो सकता है at the time of appointment कि भाई ये नहीं है कि तुम साल में 10 बार छुट्टी ले लोगे, तो बट अब जो कंडीशन है वो रिमूव कर दी गई है. जो पहले कंडीशन थी कि साल में 3 बार ही आप पीएल ले सकते हो, बट वो कंडीशन को रिमूव कर दिया गया है. बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर एग्रीमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट में जा सकते हैं. कैलकुलेशन ऑफ ईएल इज ऑन डेली एवरेज वेजेस, बट नाउ इट वुड बी कैलकुलेटेड एज पर द वेजेस पर द न्यू वेजेस डेफिनेशन. जो वेजेस की न्यू डेफिनेशन एज पर द कोड ऑन वेजेस 2019 उसके तहत कैलकुलेट होंगी. एज पर द फैक्ट्री एक्ट द एप्लीकेंट have to submit the written application before 15 days to avail the benefit and in case of public utility service, yani ki jaise police wale ho gaye to unko 30 din pehle application deni hoti thi, but ab aisa koi provision or condition nahi rahi hai. Effect on contractor labor after implementing the occupational health and safety working condition,
यानी कि जब ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी वर्किंग कंडीशन एक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के जो वर्कर थे उनपे क्या इफेक्ट पड़ेगा। द कॉन्ट्रैक्टर वर्कर कैन बी एम्प्लॉयड फॉर कोर एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर गेटिंग द लाइसेंस, यानी कि अब तक क्या था कोर एक्टिविटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एम्प्लॉयड नहीं हो सकते थे, बस अब बट अब हो जाए हो सकते हैं जब ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। बट कंडीशन ये है द एक्टिविटी विच डू नॉट रिक्वायर फुल टाइम वर्कर और मेजर पोर्शन ऑफ द वर्किंग आवर, यानी कि पूरे दिन का काम ना हो तो उनको एम्प्लॉयड किया जा सकता है। The activity normally done by the contractor, the permitted in sudden increase of the work, जैसे कि ऑटोमेटिक क्या नाम है कि कंपनी के पास एकदम से काम का प्रेशर ज्यादा आ गया है तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को कोर एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। Now principal employer is responsible for the payment of the bonus and the gratuity for the contractor labor. अब तक क्या था कि अगर कॉन्ट्रैक्टर बोनस और ग्रेचुटी ना दे तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पर क्लेम नहीं किया जा सकता था, बट अब क्या है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द बोनस एंड ग्रेचुटी एज वेल, जैसे ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी वर्किंग कंडीशन इंप्लीमेंट हो जाएगा। द वर्कर दोज आर एम्प्लॉयड इन एनी एस्टेब्लिशमेंट थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर आर कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स आर आल्सो कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर वर्कर। एज नाउ कॉन्ट्रैक्टर इज द एम्प्लॉयर बट स्टिल प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज आल्सो द एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर इज बाउंडेड इक्वली, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स को एम्प्लॉयर मान लिया गया है बट ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्टर है अब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसके जो एम्प्लॉयज को जो फैसिलिटीज है वो सारी प्रोवाइड कराने की कॉन्ट्रैक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने एग्रीमेंट के थ्रू कराए या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के थ्रू कराए। एवरी मैन पावर एम्प्लॉयर नीड टू टेक लाइसेंस, यानी जो मैन पावर एम्प्लॉयर है उसको लाइसेंस लेना होगा जो 50 से ज्यादा मैन पावर होगी जिसके पास। एज ऑफ नाउ एम्प्लॉयर डू नॉट नीड एनी सेपरेट रजिस्ट्रेशन बट नाउ लाइसेंस कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर रनिंग द फैक्ट्री और एंगेजिंग द कॉन्ट्रैक्टर बट नाउ देयर शुड बी क्लियर आफ्टर द रूल। नाउ कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट एग्जीक्यूट एनी कॉन्ट्रैक्ट वर्क विदाउट द लाइसेंस फॉर पर्टिकुलर वर्क, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर कोई और काम नहीं कर सकता जो उसको पर्टिकुलर उसके लाइसेंस में है। जैसे कि किसी को हाउसकीपिंग का काम का लाइसेंस है तो केवल हाउसकीपिंग ही काम करा सकता है, किसी को लोडिंग अनलोडिंग का लाइसेंस मिला हुआ है तो वो केवल लोडिंग और अनलोडिंग का ही काम करा सकता है। अब जो लाइसेंस मिलेंगे वो दो प्रकार के मिलेंगे, एक लॉन्ग टर्म होगा एक शॉर्ट टर्म होगा। ए लाइसेंस टू एंगेज और सप्लाई लेबर हु फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर पर्टिकुलर वर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस कैन बी इशूड फॉर 5 ईयर, यानी कि जो क्राइटेरिया होगा लाइसेंस के लिए जो उसको फुलफिल कर रहा होगा उसको लाइसेंस जो है 5 साल के लिए मिलेगा। बट दूसरी कंडीशन ये है कि सपोज करो कि लाइसेंस लेने के लिए सपोज करो किसको इंजीनियरिंग का काम कराना है तो उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की जरूरत है तो उसको 5 साल का लाइसेंस मिल जाएगा। बट अगर किसी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है तो उसको भी लाइसेंस मिल जाएगा बट वो जो है पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड के लिए मिलेगा, यानी कि उस जॉब वर्क को पूरा कराने के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए, या सपोज करो कि 2 महीने के लिए दे दिया तो वो लाइसेंस जो है 2 महीने में खत्म हो जाएगा अगर टाइम लिमिट के साथ दिया गया और उस प्रोजेक्ट के लिए दिया तो उस प्रोजेक्ट को खत्म होते ही वो लाइसेंस खत्म हो जाएगा। बट अगर कोई क्राइटेरिया का फुलफिल कर रहा तो उसका लाइसेंस 5 साल के लिए मिलेगा। एक और कंडीशन है जो लाइसेंस जो इशू होंगे कॉन्ट्रैक्टर के उनकी क्या कंडीशन है। लाइसेंस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट बट इफ ए कॉन्ट्रैक्टर हैव वर्क मोर देन वन स्टेट इन दिस कंडीशन ही विल गेट द लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अभी तक क्या था कि हर किसी कॉन्ट्रैक्टर को पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसी स्टेट से लाइसेंस लेना होता था। सपोज करो कि एक एक्स कॉन्ट्रैक्टर है वो 5 कंपनियों में कर रहा है तो वो और उन कंपनियों में उसकी मैन पावर जैसे उत्तर प्रदेश में 50 लोगों पे है तो 50 एम्प्लॉय काम कर रहे थे तो उसे हर कंपनी के लिए अलग 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 लाइसेंस लेना होता था। सपोज करो कि ए कंपनी के लिए काम कर रहा है, बी के लिए कर रहा है, सी के लिए कर रहा है तो ए कंपनी उसे अलग से फॉर्म 5 देगी, बी अलग से देगी, सी अलग से देगी तो सबके लिए लाइसेंस अलग अलग से लेगा। बट अब क्या है कि वो कॉमन लाइसेंस ले सकता है, जैसे उसके 50 लोग होंगे तो उसको जिस स्टेट में काम कर रहा है वहां से मिलेगी। बट दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है और वो एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में मैन पावर दे रहा है तो उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। द कॉन्ट्रैक्टर इज बाउंड टू इन्फॉर्म द लाइसेंसिंग अथॉरिटी व्हेनेवर ही गॉट द वर्क ऑर्डर। अब जो है कॉन्ट्रैक्टर बाउंड है, जैसे उसको वर्क ऑर्डर मिलता है तो वो जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा। एम्प्लॉयर इज नॉट बाउंड टू गिव फॉर्म 5। अब फॉर्म 5 देने के लिए एम्प्लॉयर बाउंड नहीं है, विदाउट फॉर्म 5 के जो है कॉन्ट्रैक्टर अपना लाइसेंस ले सकता है जैसे उसके 50 एम्प्लॉय हो जाएंगे। There may be no need to submit happily written by the contractor. There may not be need to get the form 5 from the contract license. यानी कि maybe जैसे कि rule final होंगे तो तब जाके पता लगेगा कि return submit करनी जरूरी है या नहीं है। अब next है कि working days और working hours पे क्या effect पड़ेगा जैसे ही occupational health safety and working condition का act implement हो जाएगा।
एज पर द करंट लॉ नाउ वी कैन नॉट वर्क मोर देन द 6 days आफ्टर हैविंग 1 weekly ऑफ और इफ समवन नीड टू वर्क ऑन वीकली ऑफ देन एम्प्लॉय नीड टू गिव द 1 day रेस्ट बिफोर आफ्टर द 3 days विद इन द वीकली ऑफ. यानी कि अगर किसी को सपोज करो कि अभी मोस्टली कंपनी में संडे वीकली ऑफ चलता है, कंपल्सरी नहीं है कि संडे चले बट मोस्ट कंपनी में संडे वीकली ऑफ रहता है. अगर किसी एम्प्लॉय को संडे को काम करना है तो एम्प्लॉयर को उस वर्कर को संडे से 3 दिन पहले या संडे के 3 दिन बाद में एक रेस्ट देना जरूरी है. बट यानी कि 10 दिन से ज्यादा लगातार काम नहीं कर सकता कोई भी. और अगर हम अब बात करें तो अब क्या है कि विद इन 5 day वीकली ऑफ देना है, यानी कि अब कंटिन्यू 12 दिन तक काम कर सकता है वो वर्कर. नेक्स्ट चेंज है नाउ एम्प्लॉय नीड टू वर्क 48 hours. यानी 3 कंडीशन है अभी, क्या है कि नीड टू वर्क 48 hours, 48 hours से ज्यादा काम नहीं कर सकता पर वीक. देर इज हाफ आवर ब्रेक आफ्टर द 5 hours, यानी कि हाफ एन आवर का ब्रेक मिलेगा हर 5 घंटे के बाद. जो स्प्रेड आवर शिफ्ट होगी वो जो है 12 घंटे से ज्यादा की नहीं हो सकती. तो ठीक है, ये 3 कंडीशन है अभी जो वर्किंग कंडीशन है. बट जैसे ही ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी वर्किंग कंडीशंस एक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है तो एम्प्लॉयर फ्री हो जाएगा टू मॉडिफाई द वर्किंग आवर्स बट हैव द लिमिटेशन फॉर 48 hours इन वर्किंग इन ए वीक. यानी कि 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकता हफ्ते में, बट वो क्या है कि 12 घंटे का क्या नाम है कि अदर जो रेस्ट है कब कब देना है वो एम्प्लॉयर के ऊपर है. तो इससे क्या फायदा होने वाला है, ये फायदा होने वाला है कि कंपनी के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी कि कंपनी क्या है कि 2 shifts चला सकती है 12-12 घंटे की और उसमें एम्प्लॉय को 4 दिन काम करा सकती है और 3 दिन का रेस्ट मिल सकता है वीक में. एज पर द फैक्ट्री एक्ट एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर ओवरटाइम हु वर्क फॉर मोर देन 9 hours इन ए डे और 48 hours इन ए वीक बट एज पर द कोड ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन मेक द प्रोविजन. यानी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रोविजन कोई प्रोविजन बना सकती है, वो डिपेंड करेगा कि डेली वर्किंग आवर के बेसिस पे बनाएगी या वीकली वर्किंग आवर के बेसिस पे बनाएगी. एज ऑफ नाउ देयर इज अ रूल फॉर वर्किंग 100 hours इन यूपी और स्टेटों में क्या है कि ये अभी 50 घंटे 70 घंटे है पर यूपी में 100 घंटे है और स्पेशल कंडीशन में 150 घंटे का भी होता है अगर आप फैक्ट्री ऑफिसर से परमिशन ले लो. बट एज पर द कोड कंसेंट ऑफ द वर्कर इज नेसेसरी टू वर्क. जो जैसे कोड ऑन ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी वर्किंग कंडीशन कोड एप्लीकेबल हो जाएगा तो कंसेंट लेना कंपलसरी हो जाएगा वर्कर से. ओवर टाइम करने ओटी कैन बी कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस और वीकली बेसिस विच इज फेवरेबल फॉर द वर्कर बट एज पर द फैक्ट्री एक्ट इट इज बेस्ड इफ द डेली वर्किंग आवर इंक्रीज द 9 hours ऑन वीकली आवर्स. फीमेल वर्कर कैन ओनली वर्क इफ एम्प्लॉय प्रोवाइड द सेफ्टी मेजर्स टू द फीमेल वर्कर. जैसे कि अभी मैंने बताया था लास्ट स्लाइड में भी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मे मंथ में ही नोटिफिकेशन निकाला था कि ज्यादा सेफ्टी देनी होगी अगर कोई फीमेल नाइट में काम करती है. जैसे कि था कि 4 से कम फीमेल है तो नाइट में काम नहीं करेंगी, कम से कम 4 फीमेल नाइट में होनी चाहिए, उनका कंसेंट होना चाहिए, उनके वॉशरूम पास में ही होना चाहिए, लाइटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी की फैसिलिटी होनी चाहिए. तो ये सारी कंडीशंस थी तो तभी फीमेल वर्कर जो है नाइट में काम कर सकती है. तो दोस्त ठीक है, अब क्लोजिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या होगा, कैसे क्लोज कर सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट को. द एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट शैल विद इन द 30 days ऑफ क्लोजिंग द एस्टेब्लिशमेंट. विद जैसे ही किसी एस्टेब्लिशमेंट को क्लोज करना है तो 30 दिन के अंदर जो है एम्प्लॉयर को इन्फॉर्मेशन देनी होगी उसको क्या नाम है जो रजिस्ट्रार ऑफिसर है जहां से उन्होंने लाइसेंस लिया था. इन्फॉर्म द क्लोजर ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट, सर्टिफाइड पेमेंट ऑफ ऑल द ड्यूज. अगर यानी कि कोई ड्यूज रह रहे हैं वर्कर के तो उन ड्यूज को कंप्लीट करके तब इन्फॉर्मेशन देगा इन सच एस्टेब्लिशमेंट टू रजिस्ट्रिंग ऑफिसर इन सच ए मैनर मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसेस बनाएगी एंड रजिस्ट्रिंग ऑफिसर शैल ऑन रिसीविंग द सच इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट रिमूव सच एस्टेब्लिशमेंट. यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेट को रिमूव कर देगा फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट मेंटेन बाय हिम. यानी कि जो एक रजिस्टर वो मेंटेन करता है एस्टेब्लिशमेंट का कि कौन कौन सी एस्टेब्लिशमेंट उसके एरिया में चल रही है ऑफिसर के, तो वहां से वो उसके एस्टेब्लिशमेंट के नाम को रिमूव कर देंगे और सर्टिफिकेट को खत्म कर देंगे. कैंसिल द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट विद इन 60 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच इन्फॉर्मेशन. यानी कि जैसे ही कंपनी बंद होगी तो एम्प्लॉयर 30 दिन में इन्फॉर्मेशन देगा एम्प्लॉयर को और 60 दिन में एम्प्लॉयर जो है उस कंपनी को बंद कर देगा यानी कि उसके लाइसेंस को खत्म कर देगा. प्रोवाइडेड दैट इफ द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर फेल्स टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन. यानी कि अगर जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो फेल हो जाता है कैंसिल करने के लिए तो विद इन 60 days के बाद ये मान लिया जाएगा. अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, कोई क्वारी नहीं आती है ऑफिसर की तरफ से, यानी कि कोई ड्यूज वगैरह रह रहा है एम्प्लॉयर या कुछ रह रहा है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो लाइसेंस जो है 60 दिन के बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया है. कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन किस कंडीशन पे ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा. इफ एन एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट हैज ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट बाय मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ और
सुपरेशन ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट और रजिस्ट्रेशन ऑफ द सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देके अगर लाइसेंस लिया गया है तो उस कंडीशन में लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। हैज ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट सो फ्रॉडेंटली और अदरवाइज दैट द रजिस्ट्रेशन हैज बिकम द अनलेस और इनइफेक्टिव टू रन द एस्टेब्लिशमेंट, यानी कुछ फ्रॉड कर किया है तो लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ क्लॉज, जो ऊपर क्लॉज दिए गए हैं, सच मिसरिप्रेजेंटेशन और सुपरेशन ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 94 विदाउट अफेक्टिंग द रजिस्ट्रेशन एंड रनिंग ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इन द केस ऑफ क्लॉज द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रजिस्टरिंग ऑफिसर मे गिव द अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो रजिस्टर ऑफिसर है वो एम्प्लॉयर को एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है टू बी हेयर्ड टू रिवोक द रजिस्ट्रेशन बाय एन ऑर्डर। सच प्रोसेस प्रोसेस फॉर रिवोकेशन शैल बी कंप्लीटेड बाय द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर विद इन द 60 डेज, यानी कि वो उसको एक मौका दे सकता है कि जो उसने मिसरिप्रेजेंटेशन दिया था उसको सही कर ले, लाइसेंस को फिर कैंसिल नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो विद इन 60 डेज लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। तो धन्यवाद दोस्तों, ये जो वीडियो थी ये थर्ड एक्ट पे हमने बनाई थी, जो नए कोड्स आए हैं, केवल अब एक कोड बचा है सोशल सिक्योरिटी का, उसको भी हम 30 जून तक कवर कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंट न्यूज पेपरों से पता लग रहा है कि मे बी 1 जुलाई 2022 से ये कोड इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए।